आज दुनिया भर की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पर्यावरण की। इस विषय पर विचार करना, नवीन ढंग से विचार विमर्श कर साहित्य में दर्शन के रूप में और एक विमर्श के रूप में आलोचना के रूप में रूपायित करने की अनिवार्यता तो आ गई है। हमें तो मालूम है आधुनिकता सचमुच औद्योगिकरण का सौंदर्य शास्त्र है। यह औद्योगिकरण सचमुच हमारे देश के या पूरी दुनिया के लिए इसकी जरूरत तो आ पड़ी है। एक जमाना था, उस जमाने में मनुष्य अन्य जीव जंतु सब एक साथ मिलकर जीवन बिताते थे, मतलब प्रकृति और मनुष्य की अवस्थिति उस जमाने में थी। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के आगमन के साथ मनुष्य और प्रकृति तो दूर दूर प्रकृति जाने लगे, या प्रकृति के अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे इन सब से तो मनुष्य दूर हो जाने लगे, या मनुष्य की जरूरत के लिए, जरूरत मतलब या उपभोग की आवश्यकता है, प्रकृति का उपभोग हमें तो करना चाहिए, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा प्रकृति का उपभोग करने लगा मनुष्य, या प्रकृति को अपनी गुलाम बनाकर मनुष्य अपने को स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश तो हुई है। इसका मतलब मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ गई है। इसका एक कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ गई है। इस जनसंख्या की जरूरत के लिए या उन्हें खाने और पिलाने के लिए आवश्यक चीजें बढ़ जाने लगी है, इसकी जरूरतों की पूर्ति करना अनिवार्य बन गया है। तब वनों को काटना पड़ा और अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अदूरदर्शिता का विकास तो होने लगा है। इस अदूरदर्शिता के कारण हमारे साथ या जिन प्राणी जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ मिलकर हम तो जीवन बिता रहे थे, इन सबका नाश तो शुरू हो गया। सचमुच ये प्राचीन साहित्य में, भारतीय परंपरा में ही, भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सब साथ साथ मिलकर जीने के कई उदाहरण प्राप्त हैं। हमारे ज्ञान परंपरा का संपदा या इसका कोश है वेद और उपनिषद। अधर वेद में एक राष्ट्र के लिए आवश्यक 8 गुणों में सबसे बड़ा गुण ऋतम बताया गया है। ऋतम मतलब तो पर्यावरण का की परिरक्षा है, पर्यावरण की परिरक्षा। पर्यावरण की परिरक्षा करना मतलब उस समय उस अथर्ववेद में भी बताया गया है कि मनुष्य सबका सेवक है, सबके परिरक्षा करने का दायित्व तो मनुष्य का है। इस पर केंद्रित है एक राष्ट्र का विकास। और इसलिए मैंने इस ओर संकेत किया था कि प्रकृति की परिरक्षा एक राष्ट्र के लिए कितना अनिवार्य है, यह तो उस समय के अथर्ववेद में तो बताया गया। लेकिन आधुनिक युग में आकर इससे हम तो विचलित हो गए। 1962 में एक किताब तो रेचल केसन द्वारा लिखी गई, उस किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। अमेरिका की एक लेडी, उस लेडी ने तो एक सुबह तो पहचान लिया, वो सुबह तो क्या वसंत का सुबह था, या सारे पक्षी या सारी चिड़िया जो है यह दिखाई नहीं देते हैं, उनकी आवाज तो सुनाई नहीं देती है। तब
स्प्रिंग तो साइलेंट हो गया, वो मनुष्य के ऊपर कितना प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है, ये उसने समझ लिया। तब क्यों ये साइलेंट हो गया? कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीडीटी जैसे कृत्रिम जो कीटनाशकों का जो इस्तेमाल हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? ये जीव जंतु या पशु पक्षी सब तो हमारे बीच से मिट जा रहे हैं। सचमुच नवीन या आधुनिक युग में पारिस्थितिक चिंतन की नींव इस पुस्तक के माध्यम से तो हुई है, कारण इसके बाद यह चिंतन नवीन ढंग से साहित्य के क्षेत्र में या 1990 के साथ कितने नए नए विचार उभर कर सामने आ गए, उनमें एक नए विचार के रूप में, नए चिंतन के रूप में, नए दर्शन के रूप में पारिस्थितिक चिंतन भी हमारे सामने आ गया।